गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत यात्रा से संबंधित वाक्यों का अध्ययन करेंगे। जब हम यात्रा पर जाते हैं या यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो उसमें किस प्रकार के वाक्यों की आवश्यकता होती है या यात्रा पर चर्चा करते समय हमें क्या क्या बातें आवश्यक हैं, उसको हिंदी और अंग्रेजी में दिया गया। ट्रेवल 22 22 नंबर का इसके पहले एक से 21 तक वाक्य इसके पहले वाले वीडियोस में अंतर्गत दिए जा चुके हैं। हम शिकार के लिए जंगल में गए। वी वेंट, हम गए थे कहां? टू द फॉरेस्ट, जंगल में गए। किस लिए? फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, हम शिकार के लिए जंगल में गए। वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट, शिकार करने के लिए। वी वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट या फॉर हंटिंग। सड़क मरम्मत के लिए बंद है, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग, मरम्मत के लिए रिपेयरिंग। द रोड इज क्लोज्ड, सड़क बंद है, फॉर रिपेयरिंग। वे गाड़ी में न चढ़ सके, वे गाड़ी में न चढ़ सके। दे कुडंट कैच द ट्रेन, वे गाड़ी में न चढ़ सके मतलब वे गाड़ी न पकड़ सके। दे कुडंट कैच द ट्रेन, कुडंट मतलब कुड नॉट, दे कुड नॉट कैच द ट्रेन। अगले पहिए में हवा कम थी, अगले पहिए में हवा कम थी। द फ्रंट व्हील, अगले पहिए में हवा कम थी। द फ्रंट व्हील हैड लेस एयर, द फ्रंट व्हील अगला पहिया हैड लेस एयर। लेस एयर मतलब कम हवा। द फ्रंट व्हील हैड लेस, लेस जो है लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है, तुलनात्मक। तो अगले पहिए में हवा कम थी। द फ्रंट व्हील हैड लेस एयर, लिटिल का मतलब थोड़ा, लेस का मतलब उससे थोड़ा यानी कम। मोटर का टायर फट गया। द टायर ऑफ द कार बर्स्ट, फट गया बर्स्ट। द टायर ऑफ द मोटर बर्स्ट, मोटर का टायर फट गया। द टायर ऑफ द कार बर्स्ट। मैं साइकिल चलाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, मैं साइकिल चलाने का शौकीन हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग। मैंने सहारनपुर में गाड़ी बदली। आई चेंज द ट्रेन एट सहारनपुर। मैंने सहारनपुर में गाड़ी बदली। आई चेंज द ट्रेन एट सहारनपुर। छोटे शहरों या छोटे स्थान के लिए के पहले एक्ट का प्रयोग होता है, लेकिन अगर बड़ा हो जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो उनके पहले इन लगाया जाता है। मान लीजिए कहना हो मैंने कलकत्ता में गाड़ी बदली, तो आई चेंज द ट्रेन इन कलकत्ता, इन दिल्ली, इन मुंबई, बड़े नगर है। लेकिन छोटे के लिए है तो एट सहारनपुर, आई चेंज द ट्रेन एट सहारनपुर। टिकट घर रात दिन खुला रहता है, टिकट घर रात दिन खुला रहता है।
the booking office remains open. The booking office remains open, खुला रहता है 24 hours. टिकट घर रात दिन खुला रहता है. The booking office remains open 24 hours. क्या यह गाड़ी सीधी कलकत्ता को जाती है? क्या यह गाड़ी सीधी कलकत्ता को जाती है? Is this direct train to Kolkata? क्या यह गाड़ी सीधी कलकत्ता को जाती है? Is this direct train सीधी direct train to Kolkata? फिर समझिए, क्या यह गाड़ी सीधी कलकत्ता को जाती है? Is this direct train? क्या यह सीधी गाड़ी है टू कलकत्ता? अगला नंबर है, मैं आपके साथ स्टेशन चलूंगा. मैं आपके साथ स्टेशन चलूंगा. आई विल accompany, accompany साथ साथ चलना. आई विल accompany यू टू द स्टेशन. मैं आपके साथ स्टेशन चलूंगा. आई विल accompany यू टू द स्टेशन. आई विल accompany यू टू द स्टेशन. एक सप्ताह के बाद मैं कश्मीर में होऊंगा. एक सप्ताह के बाद मैं कश्मीर में होऊंगा, यानी मतलब एक हफ्ते के बाद की बात कर रहा है कि एक सप्ताह बाद मैं कश्मीर में होऊंगा. आई विल बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक. आई विल बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक. एक सप्ताह बाद मैं कश्मीर में हूंगा. यहां हो जाएगा आई बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक आई विल बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक. एक हफ्ते के पश्चात यानी एक हफ्ते के बाद मैं कश्मीर में होऊंगा. आई विल बी इन कश्मीर नेक्स्ट वीक. अगले हफ्ते यानी एक हफ्ते के बाद. रेल की पटरी पर से गुजरना वर्जित है. रेल की पटरी पर से गुजरना वर्जित है. क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स प्रोहिबिटेड, वर्जित है, प्रोहिबिटेड. रेल की पटरी पर से गुजरना यानी क्रॉस करना वर्जित है. क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स, क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स इज प्रोहिबिटेड, मना किया गया है. अब आगे दिल्ली का स्टेशन है. The next station is Delhi. अब आगे दिल्ली का स्टेशन है. The next station is Delhi. अब आगे दिल्ली का स्टेशन है. The next station is Delhi. अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है. अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है. There is still half an hour for the train to start. अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है. There is still half an hour. अब भी आधा घंटा बाकी है. There is still half an hour. किस लिए? For the train to start. अभी गाड़ी चलने में आधा घंटा है. There is still half an hour. For the train to start. शीघ्रता करो, गाड़ी यहां थोड़ी देर ठहरती है. शीघ्रता करो यानी हरी अप, जल्दी करो. शीघ्रता करो, गाड़ी यहां थोड़ी देर ठहरती है. हरी अप द ट्रेन स्टॉप्स हियर फॉर अ शॉर्ट व्हाइल. शीघ्रता करो, गाड़ी यहां थोड़ी देर ठहरती है. हरी अप द ट्रेन स्टॉप्स हियर
फॉर ए वाइल थोड़ी देर के लिए गाड़ी को ठीक समय 11:30 है, गाड़ी का ठीक समय 11:30 है, यानी गाड़ी ठीक 11:30 का टाइम है, गाड़ी का ठीक समय, चाहे वो पहुंचने का कहिए चाहे छूटने का कहिए, गाड़ी का ठीक समय 11:30 है। द ट्रेन इज ड्यू एट 11:30, द ट्रेन इज ड्यू एट 11:30। मार्च में हमारी मोटर पंक्चर हो गई। आवर कार गॉट पंक्चर्ड ऑन द वे, मार्ग में हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यात्रा से संबंधित जो वाक्य होते हैं, गाड़ी से संबंधित, सड़क से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी के पटरी से संबंधित, विभिन्न सब्जेक्ट पर, विभिन्न विषयों पर कैसे वाक्य का निर्माण हिंदी और अंग्रेजी में किया गया है, आपको भी इसी प्रकार के वाक्य बना करके और साथ ही साथ इनका मनन करके अपने बातचीत की शैली में मिक्स करना चाहिए। यात्रा के दौरान दूसरों से इन वाक्यों को पूछना चाहिए, जवाब देना चाहिए, और अगर कोई बात करता है तो हमें भी इसी प्रकार का जवाब देना चाहिए। थैंक यू।